हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राज। टुडे वी विल लर्न कॉमन नाउन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन एंड ऑल द थिंग्स अबाउट विच वर रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न कॉमन नाउन। सो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, कॉमन नाउन इंडिकेट्स द नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। यानी कि एक विशेष जाति जो किसी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो एक उदाहरण है, यहाँ कार का उदाहरण है, यानी कि ये कार है, ये कार है, ये सभी कार हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन नाउन है, यानी कि ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये फरारी है, तो यानी कि इसको एक नाम दे दिया है, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया है। तो एक विशेष नाम प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता है, लेकिन सभी का जो एक कॉमन नाम है वो है कार, यानी कि जो सभी में एक कॉमन चीज़ है वो है कार। यानी कि हम सबको कार बुला सकते हैं, लेकिन सभी को फरारी नहीं बोल सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। बिस्किट, ओके, बिस्किट एक क्लास है, यानी कि जाति है, लेकिन गुड डे, पार्ले जी, ओरियो, ये तीनों एक नेम है। यानी कि ओरियो भी प्रॉपर नाउन है, गुड डे भी प्रॉपर नाउन है, पार्ले जी भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन बिस्किट एक कॉमन नाउन है। यानी कि हम इन तीनों को बिस्किट बोल सकते हैं, लेकिन हम तीनों को एक नाम नहीं बोल सकते। यानी कि तीनों को गुड डे नहीं बोल सकते, पार्ले जी नहीं बोल सकते, ओरियो नहीं बोल सकते। यानी कि पार्ले जी, गुड डे, ओरियो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमनली हम तीनों को बिस्किट बोल सकते हैं, इसीलिए बिस्किट एक कॉमन नाउन है। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। कार ऑल्सो एक कॉमन नाउन, बट वी डोंट नो विच कार, यानी कि फरारी कार, ठीक है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सो इट शोज इट्स कॉमन नाउन। यानी कि हम हर एक कार को कार बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी गाड़ी है जो कार है उसे हम कार बोल सकते हैं, लेकिन कई प्रकार की गाड़ियां हैं, जैसे स्कॉर्पियो है, बोलेरो हो, फरारी हो, ओडी हो, सभी को एक नेम से नहीं बोल सकते हैं। यानी कि सभी को ओडी नहीं बोल सकते, सभी को स्कॉर्पियो नहीं बोल सकते, सभी को बोलेरो नहीं बोल सकते, लेकिन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, कार बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि मैंने मूवी देखी है, ठीक है, मैंने मूवी देखी है, तो कौन सी मूवी देखी है, तो मूवी तो सभी मूवी हो सकती है, जैसे कि भारत एक मूवी हो सकती है, तिरंगा एक मूवी हो सकती है, और बलिदान, आत्मघात, सूल, सारी मूवी है, लेकिन कौन सी मूवी देखी ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन ये एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन किसी विशेष मूवी का नाम हो सकता है, यानी कि आत्मघात एक मूवी है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन फरारी और त्रिशूल, आत्मघात, भारत, यानी कि हम चारों को एक मूवी बोल सकते हैं, लेकिन चारों को किसी एक विशेष नाम से नहीं बोल सकते कि ये भारत है, यानी कि सभी का अलग अलग नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन चारों को हम मूवी बोल सकते हैं, इसीलिए वो कॉमन नाउन है। ठीक है, अगली है टी। टी यानी कि यहाँ पर हम इसको अगर कॉमन नाउन के बारे में बताएं तो ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम इनको बोलते हैं ग्रीन टी है, रेड टी है, लेमन टी है, तो वो एक विशेष नाम हो जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कॉमन नाउन, यानी कि हम सभी प्रकार की चाय को टी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रिंक करना, ये भी एक टी हो गया। वेबसाइट, तो कौन सी वेबसाइट है, डिज़ाइनिंग ग्राफिक, तो सभी डिज़ाइनिंग ग्राफिक, इनको हम क्या बोल सकते हैं, वेबसाइट बोल सकते हैं, लेकिन एक विशेष वेबसाइट को हम वेबसाइट नहीं बोल सकते हैं। मैन हो गया, स्कूल हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है, तो बिस्किट भी हो गया, माउंटेन हो गया, स्टेट हो गया, यानी कि सभी स्टेट का नाम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, लेकिन कॉमन रूप से वो क्या है, स्टेट है। उसी प्रकार केट हो गया, माउस हो गया,
और ओशियन यानी समुद्र हो गया, और एक बिल्डिंग हो गया, यानी कि किसी बिल्डिंग का विशेष नाम होता है कि MRS भवन, है ना। तो इस प्रकार अगर उनका नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, अदरवाइज कॉमन लिखे होते हैं वो कॉमन नाउन। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द एडवांस। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉमन नाउन? ओके, कॉमन कॉमन मीन्स जनरल, एंड नेक्स्ट नाउन, नाउन मीन्स ए नेम, किसी का पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक नेम। ओके, जनरल मीन्स क्या हो सकता है कि फॉर एनी वन, फॉर एवरी वन। देर इज ए एग्जाम्पल, ये लिखा हमने यहाँ पर काउ, या मैंने लिखा इंडिया। लेट्स सी, काउ यानी कि काउ किसी भी गाय के लिए हो सकता है, एनीवन के लिए हो सकता है, एवरीवन के लिए भी हो सकता है, लेकिन इंडिया किसी भी कंट्री का नेम नहीं हो सकता है। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, लेकिन दुनिया की किसी भी गाय को हम गाय बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी गाय हो तो हम उसको गाय बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया है कि कॉमन यानी कि जनरल, एनीवन एंड एवरीवन यानी कि हर किसी और हर एक चीज़ को हम अगर कॉमनली बोलें तो बोल सकते हैं। जैसे कि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, उनके नाम हैं, लेकिन हम कॉमनली उनको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन बोल सकते हैं, मैन बोल सकते हैं। उसी प्रकार दुनिया में बहुत सारे जीव रहते हैं तो उनको हम क्रिएचर बोल सकते हैं, लेकिन हर एक का अगर नाम है तो हम उनको कॉमन नाउन नहीं बोल पाएंगे, उनको प्रॉपर नाउन ही बोल पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है। एक्चुअली जो एडवांस रूल है जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्क करता है, लेट्स सी, फर्स्ट रूल इज दैट व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज सिंगुलर, क्या सिंगुलर, इट टेक्स आर्टिकल। अगर कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है तो वो कॉमन नाउन आर्टिकल लेता है, यानी कि एन एंड द आर्टिकल लेता है। सेकेंड है, अगर कॉमन नाउन प्लूरल के रूप में यूज होती है तो नॉर्मली आर्टिकल नहीं लगता है, यानी कि उस कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, अगर सिंगुलर होगा तो आर्टिकल लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट, सभी प्रकार के प्रोफेशन होते हैं वो कॉमन नाउन को शो करते हैं, यानी कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, मतलब प्रोफेशन हो गया एक तरह से, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ए एन इज़ यूज विथ ए कॉमन नाउन इफ इट इज़ यूज फॉर वन पर्सन एंड थिंग्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हम कॉमनली बोलते हैं, यानी कि किसी कॉमन नाम से बोलते हैं जो किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक पर्सन के रूप में यूज़ होता है या फिर एक चीज़ के रूप में उपयोग होता है, तो उसे हम ए एन के साथ यूज करते हैं, यानी कि उसके अलावा अगर हम यूज़ करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट द टीचर इज टीचिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कि हम अगर सेंटेंस में सिंगुलर कॉमन नाउन ढूंढते हैं तो वहाँ आर्टिकल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ टीचर एक कॉमन नाउन है। ओके, लेकिन क्या ये सिंगुलर है? यस, ये सिंगुलर है, तो हम इसको करते हैं राइट, और साथ यहाँ आर्टिकल उपयोग हो रहा है। सेकेंड है, टीचर्स आर टीचिंग। ओके, यानी कि जो हमारा रूल कहता है वो कहता है कि हमारा कॉमन नाउन अगर प्लूरल है और साथ ही वो आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है, तो वो सेंटेंस राइट होगा। तो यहाँ हमारा जो कॉमन नाउन है वो प्लूरल है, साथ ही आर्टिकल नहीं ले रहा है, ठीक है,
तो ये भी सेंटेंस हमारा राइट है अकॉर्डिंग टू कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, काउ गिव्स मिल्क, क्या ये सेंटेंस राइट है? ओके, काउ कॉमन नाउन है, ओके, गिव्स यानी कि सिंगुलर है, ठीक है, तो काउ भी सिंगुलर है, गिव्स भी सिंगुलर है, लेकिन इसने आर्टिकल का उपयोग नहीं किया है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? जो हमारा रूल कहता है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो वो आर्टिकल का उपयोग लेगा, यानी कि यहाँ पर या तो काउ आना चाहिए या फिर द काउ आना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए, तब हमारा ये सेंटेंस राइट होगा। अदरवाइज इसके अलावा ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू यस कॉमन नाउन। हम उसको कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग उसको सही नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यानी कि ये कॉमन नाउन हमारा क्या है? प्लूरल, और ये आर्टिकल नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये राइट है अकॉर्डिंग टू रूल, इट इज़ राइट, ही इज़ ए बॉय। ओके, मैंने सेंटेंस सही बोल दिया कि ही इज़ ए बॉय, यानी कि अगर हमारा जो कॉमन नाउन है वो क्या है? सिंगुलर, तो वो आर्टिकल लेता है, तो इसने नहीं लिया, इसका मतलब रॉन्ग। तो अगर ये सेंटेंस होता है कि ही इज़ ए बॉय, तो ये वाला सेंटेंस हमारा राइट होता। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अ पेन, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी राइट है। पेन एक कॉमन नाउन है, यहाँ बॉय एक कॉमन नाउन था लेकिन आर्टिकल नहीं लिया इसलिए रॉन्ग हो गया, लेकिन यहाँ पेन एक कॉमन नाउन है, यानी कि पेन का कोई नाम नहीं है, बॉल पेन, रेड पेन, ठीक है, तो पेन एक कॉमन नाउन है, साथ इसके साथ आर्टिकल का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस भी एकदम राइट है। तो ये वाले सेंटेंस हमें बताते हैं कि हमें एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक देखते हैं, डाउट देखते हैं, तो आप कमेंट करें। एंड लास्ट, आज आपके लिए थोड़ा सा वर्क भी है, यानी आपको ये वाला वर्क कंप्लीट करना है। जो भी इसको सॉल्व आउट करता है वो पर्सनली हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर दें, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर वो इंस्टाग्राम पर नहीं करना चाहता है तो क्वेरी के लिए ईमेल भी दे रखा है, तो आप ईमेल पर भी भेज सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी इनके आंसर डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि इसमें कॉमन नाउन क्या है या फिर इसमें एरर क्या है। सो इन दिस वीडियो दिस इज इनफ फॉर लर्निंग अबाउट कॉमन नाउन। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।